दोस्तों, अगर आप बहुत टफ ट्रेनिंग करते हैं और आप सोचते हैं कि आप एक बड़ा चैंपियन बन जाएंगे टफ ट्रेनिंग करके, तो बिल्कुल गलत सोच है। टफ ट्रेनिंग आपके चैंपियन बनने के प्रोसेस में एक पार्ट है। इसका एक दूसरा पार्ट है आपका रिकवरी सिस्टम। नो डाउट ट्रेनिंग टफ हो, इंटेंस हो, मैक्सिमम वेट से ट्रेनिंग करें, ज़्यादा रैप लगाएं, ज़्यादा लोड लें, कम से कम रेस्ट टाइम में ट्रेनिंग करें, सही पोस्चर रखें, रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा हो, ये आपका एक पार्ट हो गया ट्रेनिंग पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है आपका रिकवरी सिस्टम। रिकवरी में आपका आ गया आपके न्यूट्रिशन यानी आपकी डाइट और आपके स्लीपिंग आवर्स। डाइट प्रॉपर अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आप कार्ब्स कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, एज पर योर बॉडी पार्ट और एज पर योर ट्रेनिंग इंटेंसिटी, आपका जो पोटेंशियल ट्रेनिंग का। दूसरा पार्ट है आपका स्लीपिंग आवर्स। आपको कहीं ना कहीं अपना स्लीपिंग टाइम जो है ना वो फिक्स करना पड़ेगा। आप फुल ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और सोते नहीं हैं, लगे रहते हैं सोशल मीडिया में, नेट सर्फिंग में, और अपना रेस्ट टाइम को आप सेक्रीफाइस करते हैं। क्योंकि देखो, जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपको फ्री में ग्रोथ हार्मोन मिलता है, आपकी बॉडी डीप स्लीप में ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। अच्छा रिकवरी होगा आपका तो आपके सभी हार्मोन्स एलिवेटेड होंगे, यानी आपकी बॉडी में एक एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बना रहेगा जो कि ज़्यादा प्रोटीन को यूटिलाइज करेगा, डाइट को यूटिलाइज करेगी, बॉडी जल्दी ग्रोथ करेगी, और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो वो भी जल्दी होगा। तो ये दो फैक्टर हैं, ट्रेनिंग एक पार्ट हो गया, उसका रिकवरी सिस्टम आपका सेकेंड पार्ट है, जो आपकी ट्रेनिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग तो है ही है, लेकिन इसको अगर आप सही रिकवरी सिस्टम नहीं देंगे तो वो यूज़लेस आपकी ट्रेनिंग। तो इन दोनों का ख्याल रखें और अपने स्लीपिंग आवर्स फिक्स करें, सोने का टाइम अपना फिक्स करें। थैंक यू।